दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पत्तावाड़ी चौक पर संचालित श्री राधे रिवॉल्विंग नामक दुकान में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और पुलिस को वहां बड़ी सफलता हाथ लगी। उस लेथ दुकान से पुलिस ने 24 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ साथ 60,000 रुपये भी बरामद किए और इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि एक फरार हो गया। आज मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO नूर मुस्तफा ने इसकी जानकारी दी। कल शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में साकिब तनवीर खान ने गश्ती के दौरान उनको गुप्त सूचना मिली थी। पत्तावाड़ी क्षेत्र में राधे रिवॉल्विंग नामक दुकान है जो लेथ मशीन वगैरह लगाए हुए हैं और वहाँ पे रात को अवैध हथियार का निर्माण होता है। इसी सूचना के आधार पर उनको छापेमारी करके 24 पिस्टल बरामद किए हैं और इसमें से जब्त किए हुए जो भी इसके साथ सहयोग में सामान लगते हैं या मशीन लगता है, जैसे लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, जनरेटर है, ग्लेंडर मशीन है, इसके साथ एक स्कूटी और 60,000 रुपया भी बरामद हुआ है और 5 लोगों पर केस किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन अगर हम कहें तो सफलता शब्द उचित नहीं होगा, क्योंकि फरवरी से यहाँ लेथ संचालित है और अब तक कई खेप बिहार पहुँच चुका है। तो सिर्फ इस 24 अर्धनिर्मित पिस्टल को सफलता मानना कहीं से भी उचित नहीं है। फरवरी से अब तक जितने यहाँ पे सामान का निर्माण हुआ और जिसका कि बिहार भेजा गया, वो आखिर कहाँ तक पहुँचा, यह सबसे बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात, उपराजधानी के लिए यह पहली बार है जब मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ और जो स्थल है वह बंगाल का भी बॉर्डर है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो बिहार के रहने वाले थे, तो कहीं ना कहीं इसके तार बिहार से झारखंड होते हुए बंगाल तक तो नहीं जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, जो शिकारीपाड़ा थाना है, प्रखंड है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो सवाल कई हैं, सिर्फ सफलता मान लेना यह उचित नहीं कहा जा सकता है। इन सवालों का जवाब भी पुलिस को देना होगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।